तो गठबंधन है ये बेवकूफ बनाया जा रहा, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, मुसलमानों को। सीएम से बेईमानी करके 40 सीटें लालू जी की रोक देते हैं। संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो पहला मुद्दा ब्लैट पेपर का लाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। तो ये जो सारा गेम चल रहा है, मायावती को रोकने को, लालू को रोकने को, मुलायम को रोकने का गेम चल रहा है, इससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सबके घर पर तिरंगा मैंने एक भी नहीं देखा, एक भी, सबका वही झंडा देखा। भगवा भोजनों का मान नहीं दे रही, मिसगाइड गुमराह करके 87 नहीं है, 80% बेवकूफ बना रही है। चाय बेचने वाले व्हाइट हाउस में फोटो चिपकाया अटल जी के साथ, कैसे बेवकूफ बन रहा है यार। ओबीसी करे जाओ, ये ओबीसी ही नहीं। क्या कहेंगे रफाकत चौधरी जी, 2024 की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? भैया ये बिलेट पेपर का खेल चल रहा है, ये दोनों जो गठबंधन है ये बेवकूफ बनाया जा रहा, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, मुसलमानों को, इनको बेवकूफ बना के दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। बिलेट पेपर जब तक नहीं आएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचेगा। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जुडिशरी को बचाना है, सीबीआई एलआईयू को बचाना है, तो बिलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। खामोश कहाँ है? अरे भाई खामोश कुछ नहीं है, जो मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो जो उछालती है। अब देखिए नौ बार जो है बिलेट पेपर से तुम नतीश को बना रहे हैं, पब्लिक जो है वोट दे रही है लालू के पुत्र को, मायावती को, मायावती जी को रोक दिया उत्तर प्रदेश से, अखिलेश को रोक दिया, और क्या बोलते हैं लालू को रोक दिया। ये सब बिलेट पेपर का खेल चल रहा है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले सड़कों पर उतर जाओ, बिलेट पेपर को खत्म करो, सब सिस्टम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और जब तक सिस्टम, ये नीतीश कुमार को 9 बार सीएम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, उसके पास क्या है? तो पलटी बार बार मार रहा है। अरे भाई पलटी नहीं, उसका तुम अभी समझ नहीं रहे, बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहे हैं। ये हर मीडिया को नहीं जानता, सोशल मीडिया, ये डीएम जो होता है, सीएम जो होता है, डीएम के अंडर में आता है, डीएम के अंडर में सीएम जो है के अंडर में डीएम आता है, और डीएम जो है आरओ जो इसको प्रमाण पत्र देता है, एमएलसी का या लोकसभा का या विधानसभा का, वो देता है आरओ, और आरओ आता है डीएम के अंडर में, और डीएम आता है सीएम के अंडर में। अगर सीएम को हटा देंगे तो ना तो बीजेपी खत्म हो जाएगी बिहार से, लालू भी खत्म हो, ये क्या नाम है, बीजेपी और नीतीश दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें डर ये रहता है 75 सीटें चाहे बीजेपी की हो कि आरजेडी की हो, सीएम हमें चाहिए। सीएम से बेईमानी करके 40 सीटें लालू जी की रोक देते हैं। अगर ये बिलेट पेपर पर इलेक्शन करा लें या सीएम बदल जाएगा, अगर सीएम लड़का या लालू जी का आ जाएगा, तो ये 40 जो सीटें जो बेईमानी कर रहे हैं ना नीतीश और बीजेपी मिलकर आधे आधे कंप्रोमाइज करके कभी चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, तो ये 40 सीटों तो बिहार से फर्क पड़ेगा, और 60-70 सीटों की यूपी से फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ड्रामा करके, ये दोनों गठबंधन एक है। देखो गठबंधन जिसका है आरजेडी, समाजवादी, अजीत सिंह, सीपीएम, चौटाला, चंद्रबाबू नायडू, ये जो लोग हैं, ये बिलेट पेपर से इनको रोका गया है, ब्लैक पेपर से रोक करके इनको जो मनुवादी जो लोग हैं, 10% जो लोग हैं, 80% का बेवकूफ बना रहे हैं। लगातार बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम के विरोध में जो तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई चुनाव लड़ो ना, अभी तुम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध यूं नहीं कर रहे ना, कि उनकी सेटिंग है, जितने भी राज्य हैं, कभी देखा तुमने हरियाणा? आप अगर बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो तो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हाँ। समाजवादियों को पता ही नहीं बेचारे, सीधे लोग हैं, उनको जो गठबंधन बना के गांठे बांध देती है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पता है ईवीएम में कब्जा? हाँ ईवीएम को पता, वेमन विश्राम जी को पता है, मायावती जी को पता चल गया। तो लोगों को, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, सोशल मीडिया के दौर में आप कैसी बातें कर रहे हैं, इन तमाम नेताओं को नहीं पता है? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उनको इतना नहीं पता, मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अखिलेश जी को अभी नहीं पता था, अब पता चल गया। मायावती जी को पता नहीं था, उनको पता चल गया। लालू जी को अभी पता नहीं है, उनको पता चल जाए, गठबंधन बना के दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। 10-10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। मोदी जी नहीं आ रही आपके, लिख लो मेरी बात, नीतीश को जो बनाएंगे, ये जैसे भी बनाए नीतीश को बनाएंगे। अडानी से सेटिंग होती, जो अडानी चाहता है देश का, वो कह रहे 400 रुपए, आप कह रहे मोदी नहीं आ रहे। अरे भाई मोदी नहीं, मोदी को बना ही नहीं सकते, ये चाहे 400 ना 500 लिया, हम जो कह रहे हैं लिखिए, ये नीतीश कुमार ने जो 17 साल जो है, 17 साल जो है विरोध कर रहे हैं उसका, ईवीएम का, नीतीश कुमार को किस लिए बैठाया इन्होंने? बिलेट पेपर से बेईमानी कर रहे हैं बीजेपी और दोनों मिलकर, लालू को रोक रहे हैं, माया को रोक रहे हैं, मुलायम को रोक रहे हैं, ज्योति बसु को रोक दिया, चंद्रबाबू नायडू को रोक दिया, सब ये मिसगाइड गुमराह करके। संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो पहला मुद्दा ब्लैट पेपर का लाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। कैसे बनेगी मायावती? मायावती ऐसी बनेगी, गठबंधन में मत फंसो, जैसा वो है ना, गठबंधन में मत जाओ। हाँ तो अच्छी बात है, आरक्षण लगाया तो इनको सेटिंग करनी पड़ती है जबरदस्त, डबल। प्रशांत किशोर जो हाई जगह बैठा हुआ है बिहार में, वो पहले इनको सेटिंग करता था, अब वो खुद बन गया। अब ये बिहार में किसको नेता बनाएंगे? चिराग पासवान को बनाएंगे, क्योंकि वो ब्लैट पेपर का नहीं है, वो भी ईवीएम का है। अब जो उसको क्या नाम, प्रशांत किशोर को लेकर के आएंगे,
हाँ प्रशांत किशोर को लाएंगे। तो ये जो सारा गेम चल रहा है मायावती को रोकने को, लालू को रोकने को, मुलायम को रोकने का गेम चल रहा है, इससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ, जाग जाओ, लोकतंत्र लाओ, संविधान बचाओ और देश का प्रधानमंत्री माया या अखिलेश या जो इनको बनाओ, मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। एक गठबंधन में कांटे लगा के रोक देते हैं, माया को, मुलायम को, सबको रोक देते, दोनों गठबंधन एक है। कांग्रेस कौन ब्राह्मण, आरएसएस कौन ब्राह्मण, बीजेपी कौन ब्राह्मण, आम आदमी कौन बनिया, 7% लोग बेवकूफ बनाने पब्लिक का, 80% दलित और बिछड़ों का, इससे संगठित हो जाओ, होशियार हो जाओ, समझे। संविधान को बचाना है, जुडिशरी को बचाना, सीबीआई को बचाना, एलआईओ को बचाना, सुप्रीम कोर्ट को बचाना, अगर हाई कोर्ट को बचाना, देश का नागरिक बन करके ये तिरंगे को खत्म कर दिया इन्होंने, तिरंगे को खत्म कर दिया, उसके आड़ में आपने देखा तिरंगा कहीं? वो तो आस्था है लोगों की। अरे भाई आस्था अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन तिरंगा जो भारत की जान है, भारत की शान है, हमारी पहचान है, अरे कहाँ यार, कहीं नजर ही नहीं आया आपके, तुम कैसी बातें कर रहे हो? दिल्ली में जहाँ इतना पूरा तिरंगा हमारे क्षेत्र में, अरे भाई है कहीं कहीं नजर आया उसको, जो है आपने देखा, नोट किया आपने? एक भी पूरे लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, रफाकत चौधरी, पीसीसी, बीजेपी का हो चाहे आम आदमी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सबके घर पे तिरंगा मैंने एक भी नहीं देखा, एक भी, सबका वही झंडा देखा भगवा। हम ये नहीं कह रहे, मना कर रहे हैं कि लगाओ भगवा झंडा, लगाओ अपने घरों पे लगाओ, लेकिन तिरंगे को खत्म ना करो। गांधी को खत्म करने के, बाबा साहब को खत्म करने के लिए बहुत साजिश चली इन्होंने, समझे। अब जैसे एनजीओ बना लेते हैं बहुत से, और क्या नाम, बाबा साहब के नाम से, लोहिया के नाम से, अब कर्पूरी ठाकुर का क्या कराया इन्होंने ड्रामा, जो है भारत रत्न किसने दिया है बेवकूफ बना, अरे वो लालू जी के दबाव में दिया है, लालू जी उठाने लगे थे, उनके लड़के ले जो उठाने लगे थे, नतीश पर दबाव बनाया और दबाव बनाकर जब देखा कि कपूर ठाकुर के बाद लालू का नाम हो रहा है तो इन्होंने मिसगाइड गुमराह कर दिया। अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी की बात है, कर्पूरी ठाकुर के तो हम वो है भक्त है, कर्पूरी ठाकुर हो, बाबा साहब हो, अम्बेडकर जी हो, इनके तो हम भक्त है, इनके लिए तो काम ही करना चाहते हैं, ये तो मिशन के लोग ही है। जब बीजेपी बहुजनों को सम्मान दे रही, तो अरे कहा सम्मान बेवकूफ बना रही है, बहुजनों का सम्मान नहीं दे रही, मिसगाइड गुमराह करके सत्तासीन नहीं, 80% बेवकूफ बना रही है, देश में मुख्यमंत्री बना दिया किस कहां पर, अरे यार भैया तुम्हें कहां बना दिया, वो नकली दलित होते हैं, देखा तो हमारे राष्ट्रपति जी दलित है, कहीं पूछ रहे हैं आप, अरे हमें नहीं चाहिए, हमें तो दलितों को बनाओ, असली दलित जो है वेमन मसाम है, तेज सिंह जी है, क्या नाम है ये जो लोग, बीस तेज सिंह जी है, वेमन मसाम है, उदित राज जी है, ये जो दलित नेता दलित तो नहीं है ना, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मिसगाइड गुमराह करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इनको मीडिया में दिखाते ही नहीं लोग, जगन्नाथ क्या नाम है, वेमन मसाम जी है, समझे, 25-30 साल से हम देख रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं लाते पार्लियामेंट में, क्यों नहीं लाते, और ये एक दफे भी आते जीत के चले जाते हैं। अब ये जो है मिसगाइड मत हो, गुमराह मत हो, ये जो है तुम्हारे जो है मनुवादी ताकतों के हाथ में मत आओ, इनको समझने की कोशिश करो, मिसगाइड गुमराह करके लोगों को, माया मुलायम लालू इनको सबको रोक दिया, समझे। आपसे ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा आपको, होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ, बिलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आप इतनी सारी जातियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में सिर्फ 3 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है, पता है आपको? बताओ पहले आप बताओ। अरे ओबीसी माँ के बेटे, ओबीसी नहीं हुआ तो हुआ था 2002 में, सुनो मेरी बात, तुम वो बात कर रहे हो जो सुन रहे हो, 2002 में, इधर देखो मेरी तरफ, शक्ति सिंह के पास जाना वहां पर कांग्रेस के दफ्तर में, 2002 में आईटीआई लगाई इसने, ये बनिया है, बनिया को 2002 में इसने खुद डालकर ओबीसी, और इसने जो है ओबीसी का फायदा उठा लिया, आज तक चाय नहीं बेची इसने व्हाइट हाउस में, 27 साल पहले चाय बेचेगा क्या, चाय बेचने वाले व्हाइट हाउस में फोटो चिपकाएगा अटल जी के साथ, कैसे बेवकूफ बन रहा है यार, ओबीसी करे जाओ, ये ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी नहीं है ये तो बनिया है, समझे। मायावती जी को, मायावती को लाओ देश का प्रधानमंत्री बनाओ, संविधान को बचाना है तो जुडिशरी को बचाना है, तो बार बार अकेले चल रही, तो कैसे, अरे अकेले चलने से ही चल रही है वो अकेला, क्योंकि ये मशीनों का खेल जो चल रहा है, ये गांठ लगा करके उनको रोक रहे हैं, अब पता तो चलेगा 20% वोट हमारा गया कहाँ पर, अगर मान लिया जब हरा भी दो, मायावती को अकेले नहीं चाहिए, मायावती के साथ दलित जुड़ जाता है, मुस्लिम जुड़ जाता है, जाट को जिसको, अरे बनेगी उनके 20% तो उनकी जाति है उनके साथ, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं बनेगी, जिसको टिकट दे देती है मुसलमान को 40% 20% वोट जुड़ जाता है, इकला 2%, अरे भाई माया जो है एक देश, अरे नहीं अखिलेश के साथ भी है, माया भी किसी के साथ भी है, जब टिकट मिलता है ना तो वहां पर ये नहीं देखते, 20% वो देखते हैं कि किसके साथ दलित है, किसके साथ यादव है, यादव जो है अगर मायावती जी के साथ अखिलेश के साथ होगा तो मुसलमान वहां जुड़ेगा, मायावती के साथ मुसलमान होगा तो दलित वहां जुड़ेगा, तो इसलिए आपको जो है मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, संविधान बचाओ, समझे, यही हमारा मैसेज है, लोकतंत्र बचाओ।